यहाँ पर बना रहे हैं हम पोहा, और पोहा बनाने की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये वाली रेसिपी देख लीजिए। और ये है रोटी का पोहा। तो रात की रोटी रखी हुई थी जिसका पोहा हम लोग बना रहे हैं, और जल्दी जल्दी खा करके चले जाएंगे मम्मी के इधर। रोटियां थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी क्योंकि ज़्यादा आटा रात को लग गया था, और उसमें मैंने मिक्स कर दिया है ये जो रेडीमेड वाला पोहा आता है, रेडीमेड वाला नहीं मतलब मार्केट से जो पोहा हम लोग लेकर के आते हैं ना वो। तो ये दोनों तरीके के पोहा मिक्स करके मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो इसमें डाला है मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, बस चारों चीज़ों को मिक्स करके और तड़का लगा दिया है, जीरा राई डाला है। तो इसके बाद में फिर मैं ये पोहा डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। किस किस को रोटी का पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि रोटी का पोहा कैसे बनता है तो ये वीडियो देख करके आप अपनी रोटी का पोहा ज़रूर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने ये डाल दिया है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर मम्मी के घर जाना है। और मायके जाने की खुशी तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा अलग होती है। वैसे अब इतनी ज़्यादा दूरियां नहीं हैं कि क्योंकि मोबाइल वगैरह चल गए हैं, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी वो बात नहीं होती मतलब जो त्यौहार पर जाने में होती है। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने प्लेट में अच्छे से पोहा ले लिया है, सब लोग खा लेंगे, पेट भर जाएगा, और कितना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है देखिए आप लोग। तो देखिए सेव डाल दिया है, और इस तरीके से आप बनाइएगा और रोटी को वेस्ट मत कीजिएगा। और देखिए यूज़ कीजिएगा, रोटी अगर बच जाती है तो इस तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। इस तरीके से ये रोटी को, बची हुई रोटी को यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, और बच्चे भी इसमें हमारा भागीदार बनते हैं खाने में। हेलो, तो देखिए हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, है ना। और बेबी देखिए नेल पेंट लगा रही है, यीशु भी उधर तैयार हो गया, यीशु तो तैयार होके बैग वैग लेके अपना बैठ गया है। हम लोग भी कुछ कुछ तैयार हो गए हैं, और मेकअप करना बच रहा है बस। कपड़े पहनेंगे, मेकअप करेंगे, जाएंगे और क्या है ना। चलिए ठीक है, हो सकता है बीच का वीडियो रास्ते का मैं नहीं बना पाऊँ, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे मम्मी के घर जाकर, है ना। तब तक आप लोग वीडियो इन्जॉय कीजिए, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है वाला वीडियो। तो चलिए, और ये देखिए बेबी अपना पर्स और ले के तैयार हो गई है, और यीशु बैठे हुए हैं। ये देखो कहाँ जा रहे हैं, नानी के इधर। मैं सोच रही थी इन दोनों को इधर ही छोड़ देती, दादी के इधर ना, हैं दोनों को छोड़ दूँ इधर ही, नहीं इधर रहना दोनों, नहीं। दोनों को रात भर से नींद नहीं आई है, आज तो बहुत मुश्किल से सुबह हुई है। जैसे ही मैंने शाम को बता दिया इनको कि सुबह हम लोग नानी के इधर चलेंगे, तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि 9 बजे तक इनकी नींद ही खुलती है, लेकिन आज तो मैं बोलूँगी कि सुबह 5 बजे से ही इनका मतलब अलार्म लगा के सोए थे आज तो ये लोग, कि भाई हम लेट ना हो जाए नानी घर जाने में। तो हम लोगों ने पोहा वगैरह बना करके खा लिया है, और खाना नहीं बनाया है आज, वहीं पर जाके खाएँगे। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हो जाती हैं तैयार, तो चलिए। तो ये देखिए सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखिए ये है बुधभाड़े का पत्ता, मतलब पान के जैसा पत्ता होता है, उसको इस तरीके से बेसन में लपेट के, जैसे मैंने आप लोगों को अरबी का पत्ता बताया था ना, वैसे यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया जाता है। और मम्मी ने देखिए कितना सारा बॉईल किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पापा ने पहले ही ला करके रख लिया था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना ज़्यादा यम्मी लगता है ना ये, आप अगर इसको एक बार खा लेंगे ना तो अरबी के पत्ते को भूल जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। तो मम्मी ने मेरे को बताया नहीं, वरना मैं पत्ते आप लोगों को दिखाती कि किस तरीके से होते हैं, बट आप लोगों को इधर से जाने से पहले मैं लोगों को दिखाऊंगी कि ये पत्ते किस तरीके के होते हैं। अगर आप लोगों के इधर लगते हैं तो आप लोग भी खाइएगा। तो ये जंगल में लगते हैं, वैसे जंगली पत्ते हैं, बट बहुत सारे घरों में भी आजकल मिलते हैं लगे हुए। तो मम्मी ने कुछ इस तरीके से बेसन लगा करके इतना सारा बॉईल कर लिया है देखिए, और इसकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों से। हेलो, गुड इवनिंग। तो देखो हम लोग आ गए मम्मी के घर, और देखो कितना प्यारा मौसम है, बहुत ही अच्छा। देखो शाम हो गई है, और देखो बिट्टू ने मेरी मेहंदी भी लगा दी है, ये देखिए कैसी लग रही मेरी मेहंदी, ये देखो बहुत सुंदर लगाई है ना। और ये वाले हाथ में भी लगा दिए देखो। तो बिट्टू ने मेरी मेहंदी भी लगा दी, हम लोग दोपहर में आ गए थे, तो इसके बाद मैंने कैमरा नहीं उठाया, और मम्मी ने अरबी के पत्ते नहीं है एक्चुअली, वो
वो एक तरीके का पेड़ होता है, हमारे इधर बुधभाड़ा बोलते हैं उसको, बुधभाड़ा उसके पत्ते हैं, तो वो अरबी के जैसे बनाए जाते हैं बिल्कुल। तो वही मम्मी ने रखे हुए थे तो वो मैंने आप लोगों को दिखाए, और आते से ही मैंने तुरंत वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आने के बाद ना बिल्कुल भी कैमरा उठाने का मन नहीं करता है। और देखिए बेबी उधर खेल रही है, नानी वहीं पर लेट रही है छत पर देखो, और बेबी खेल रही है, और बस हम लोग यहीं पर घूम रहे हैं। और मम्मी के घर आने के बाद में ना इतना ज़्यादा रिलैक्स लगता है, मतलब मायके आने के बाद में इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो हम लोगों को ससुराल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर आने के बाद में कुछ और ही महसूस होता है। मतलब मम्मी का घर तो मम्मी का घर ही होता है। और कल मैं आप लोगों को पूरा इधर का वीडियो बना करके दिखाऊंगी। देखिए पूरा है ना, इधर खुला हुआ है पूरा, यहाँ से जितनी हरियाली आपको मेरे घर दिखती है ना उससे भी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। देखिए वहाँ तक पूरा, यहाँ तक देखिए, ये देखिए पूरा खुला हुआ है, और देखिए इधर बहुत दूर तक पूरा खुला हुआ है। इधर तक मम्मी का घर मेरी के लास्ट में है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और लास्ट में होने के कारण क्या होता है कि पूरी हरियाली है, खुला हुआ है, तो बस कुछ इस तरीके से बहुत अच्छा महसूस होता है। और जिसका बचपन जहाँ गुजरा हो वो जगह तो बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए इसी के साथ में, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस इस तरीके से अच्छे से वीडियो मैं आप लोगों को देती रहूँगी। और देखिए आज तो बाल भी गाड़ी में ना ऐसे हो गए थे, हवा में अजीब से हो जाते हैं बाल, तो देखिए कंडीशनर वगैरह कहाँ चला गया सब, और कंघी वगैरह भी नहीं की, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मेरा तो मन करता है सोते रहो, बस सोते रहो, हमेशा सोते रहो, बस यही सब कुछ चलता है, मेरा तो सोना सबसे ज़्यादा है। तो बस इसी तरीके से आज पूरा दिन निकला। हम मॉर्निंग में हम 12 बजे करीब आ गए थे, 12-12:30 बजे के करीब। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि हम लोगों ने बस पोहा ही खाया था घर पे बना करके। मम्मी बोली खाना बनाते, तो फिर खाना बनाते, बर्तन साफ़ करते, उतने बच्चे, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता, इसीलिए फिर हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं बनाया। और बस इसी तरीके से आ गए तैयार होके, और बारिश भी थी रास्ते में भी, और अभी यहाँ पे भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, गिर रहा है पानी, बट अच्छा लग रहा है। और देखिए मैंने चूड़ियाँ निकाल दी हैं, चूड़ी निकाल देते हैं ना इसके बाद हाथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और देखिए बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और बिट्टू ना रियली में बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है ना वो, तो बस मैं आई जैसे वो बोली कि दीदी मेहंदी लगा दूँ, मतलब अपनी अपनी बहनों को सबको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है हर चीज़ की, कि मतलब दीदी आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, और सभी के घर में होता है, तो इस तरीके का किस किस के घर में होता है, किस किस की बहनें वगैरह मम्मी वगैरह बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती, सभी की करती हैं कि हमारी बेटियाँ आएंगी। और मतलब त्यौहारों पे तो उन लोगों को जब तक बेटियां वगैरह नहीं आए ना तो अच्छा नहीं लगता है, कि मतलब लड़कियां जब तक जिन जिन के घर में हों और ना आए ना, तो सही में रियली में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए एक दो दिन पहले। तो देखिए मैं सड़क पे घूम रही हूँ, सांस भरने लगती है। तो चलिए आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कल देखते हैं कल का दिन कैसे निकलता है, राखी कैसे बनती है, क्या क्या शॉपिंग करते हैं। वैसे तो राखी वगैरह मैं सब कुछ खरीद करके ले करके आई हूँ, तो चलिए बस इतना ही था आज का वीडियो, और आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और गांव जाऊंगी ना मैं आपको इस बार, सब कुछ घुमाने वाली हूँ, गांव पे कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन है मेरे, और गाय भैंस सब कुछ से मिलाऊँगी इस बार। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो बेबी बाय बाय कर रही है, बेबी बेबी बाय बाय कर, इनका तो खाना भी आ गया है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।